बताना, जिस दिन आप बता दोगे मैं चुप हो जाऊंगा कि भाई मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ एक पर्पल लाइन, और मैंने कहा था कि मैं तर्क की कसौटी पे, नंबर्स पे, संख्याओं पे, आंकड़ों पे, कैलकुलेशन पे सिद्ध करूंगा कि मां के प्यार का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। मैं सिद्ध कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। Hence proved, अगर मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी कैलकुलेशन पे, तो मैं चाहता हूं आपकी मां के सम्मान में गड़गड़ाती हुई तालियां बजाई जाए। ईश्वर आपकी माताओं को बहुत लंबी आयु दे, बहुत स्वस्थ जिंदगी दे, और जब कभी आप अपनी मां के पास जाएं उनके साथ वक्त गुजारने, क्योंकि वक्त गुजारना बहुत जरूरी है, हम सब कुछ उनको देते हैं बस वक्त नहीं देते, अगर आप उनके साथ वक्त गुजारने जाएं तो एक बार उस व्यक्ति के पैर भी छूते हुए आइएगा जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में जब पिता की बात होती है तो साहित्य चुप हो जाता है, सिनेमा चुप हो जाता है, किताबें खामोश हो जाती हैं, कोई पिता की बात ही नहीं करता। वो पिता जो खुशियों के दिनों में हमारा पहला एटीएम कार्ड है और दुख के दिनों में हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत पिता को भेद के, पिता नाम का जो दुर्ग है, वो किला है, उसको भेद के हम तक नहीं पहुंच सकती। क्या क्या किया उसने हमारे लिए, वो पिता जिसके होने से बाजार के सारे खिलौने अपने लगते थे, लगता था किसी भी खिलौने पे, किसी भी चीज पे हाथ रख दो गिफ्ट रैप होकर घर आ जाएगा, क्योंकि मेरे घर पे मेरा पिता है, वो इसके लिए पैसे देगा। हम उसकी सैलरी नहीं पूछते थे कि पापा आप कमाते कितना है, हमें क्या फिक्र, वो है ना घर पे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी कपड़ों, किताबों और खिलौनों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी कपड़ों, किताबों, खिलौनों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने में जो भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं साथियों, कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। मैंने आपसे कहा कि ये पिता नाम का दुर्ग बड़ी से बड़ी मुश्किल इसे भेद नहीं सकती। मेरे पिताजी की उम्र 84 साल है, 84, लेकिन 84 साल की उम्र में भी मेरे बगल गाड़ी में बैठते हैं तो मुझे लगता है यमराज भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मेरे पिताजी मेरे बगल बैठे हुए। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही, दुआएं साथ हूं जिसके, उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता, और सचमुच में डरता नहीं, मैं डरता नहीं किसी आफत, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी बला, किसी आपदा से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। आज मैं जितनी बातें साथियों आपसे कह रहा हूं, धन्यवाद वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है कि आप सब कुछ भूल जाएं इस ऑडिटोरियम से जाने के बाद, ये शो खत्म होने के बाद, और आप भूल जाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि दुनिया में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और हो नहीं सकता, और ये तजुर्बे से बोल रहा हूं मैं। आप कितना भी ऊंचा उठ जाए, कितनी भी जिंदगी में तरक्की पालें, कितनी भी कामयाबी पालें आप, लेकिन जब आपके बाबूजी ने पहली बार आपको गोद में लेके आकाश की ओर उछाला था ना, उससे ज्यादा ऊंचा कभी नहीं उठ पाओगे। जब भी अपने पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई दूसरा नहीं आने वाला, सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारी जिंदगी का, उसने तुम्हें सिर्फ दिया है, सिर्फ दिया है, सिर्फ दिया है। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा,
जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। और जब कभी मां से मिलना तो अदब से मिलना, क्योंकि तुम उसके कर्जदार हो और ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। तुम उसके कर्जदार रहोगे, करोड़ों अरबों बैंक में भर लोगे, लेकिन अपनी मां को वो सिक्के नहीं लौटा पाओगे जो तुम्हारी नजर उतार के उसने गंगा में फेंक दिए थे, वो नहीं लौटा पाओगे। दोस्तों, इस दुनिया में मां और मातृभूमि से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी 7,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम ने कहा था, जब उन्होंने सोने की लंका जीत ली और लक्ष्मण ने बोला कि भैया ये सोने की लंका हमने अपने बाहुबल से जीती है, इसके सिंहासन पे आपका अधिकार है। भगवान श्री राम ने पलट के कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका मेरे मन को जच नहीं रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे रुचिकर नहीं लग रही है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, मां और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये भगवान श्री राम ने हमसे कहा था। भारत, ये हमारा देश जहां मैं और आप बैठे हुए हैं, अटल जी, भारत रत्न अटल जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वो कहा करते थे कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक राष्ट्र पुरुष है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष। ये है भारत की अवधारणा। मुझे याद आता है, एक किस्सा याद आ गया, ऐसे अटल जी का जिक्र चला, 99 की बात है, 16 मार्च की शायद, 16, यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत फॉलो किया होगा, 16 मार्च 1999 को अमृतसर लाहौर के बीच में बस सेवा शुरू हुई थी। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था पाकिस्तान की तरफ, तो अटल जी उस बस में बैठ के पाकिस्तान गए थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भारतवर्ष वो धरती है जहां रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि जब संसद में दहाड़ते थे तो बड़े बड़ों के कान बहरे हो जाते थे, इतना उनकी वाणी में ओश था, इतनी ताकत थी। अटल जी भी उन्हीं में से थे तो कवि, राजनेता थे पर कवि थे। वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में उन्होंने गवर्नर हाउस में, लाहौर के गवर्नर हाउस में, इतना ओजस्वी भाषण दिया कि बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या कि एक महिला पत्रकार ने गुगली फेंक दी अटल जी की तरफ। क्या बोली वो, अटल जी आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता, दुश्मन के इलाके में थे पंडित जी, चारों तरफ बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो लोग जिनको कोड ऑफ कंडक्ट आता ही नहीं, जो उस मार देते हैं, ऐसी आर्मी ऐसी फौज। लेकिन अटल जी डरने वाले दबने वाले थोड़ी थे। अटल जी ने छूटते ही जवाब दिया, मोहतरमा मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? ऐसी दहाड़, ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे राजनेता हमारे हुए। अच्छा, उस अभी तो हमें खैर हंसी आ रही है, लेकिन आप वो टाइम सोचे कि चारों तरफ पाकिस्तान की फौज से घिरे हुए अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान की फौज कौन थी? वही पाकिस्तानी फौज जिसने पिछले 75 साल में लड़ाई एक भी नहीं जीती और चुनाव एक भी नहीं हारा। इस पर आप थोड़ा सोच कर सकते हैं, उनकी जो फौज है वो इलेक्शन लड़ती है, युद्ध तो उन्होंने कभी लड़े नहीं और जीते नहीं। अच्छा, उस दिन परवेज मुशर्रफ भी थे वहां, ये बड़े बड़े मेडल लगाए हुए गुजर गए परवेज मुशर्रफ, भगवान उनकी आत्मा को कतई शांति न दे। बड़े बड़े खंजर उतारे उन्होंने हमारी पीठ पे, तो परवेज मुशर्रफ भी थे, ये बड़े बड़े मेडल लटकाए घूम रहे थे। और मैं एक बार जब भी देखता हूं उनको, और आज भी देखता हूं मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े फौजी अफसरों को टेलीविजन पे, मैं सोचता हूं कि बात इन्होंने आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 4 युद्ध लड़े हैं, चारों हमसे लड़े हैं, चारों हारे हैं, दूसरे किसी देश से लड़े भी नहीं, तो ये मेडल इन्होंने कहां से जीत लिए? लूडो उडो खेलते हैं क्या है? आप बताओ भाई, कैंडी क्रश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये क्या खेलते हैं जहां उनको मेडल मिल गया इतने बड़े बड़े? पबजी। अच्छा, पराक्रम दिखाने से बाज नहीं आते। थोड़े दिन पहले मैं न्यूज में पढ़ रहा था, देख रहा था कि इन्होंने अपनी मिसाइल टेस्ट की, गजनी मिसाइल के बारे में शोर मचाया कि 300 किलोमीटर मार करती है गजनी मिसाइल, 36 किलोमीटर पर गिर पड़ी, टाई टाई फिश, दूसरे देश की सीमा तक नहीं पहुंची। अच्छा, इससे मुझे डर लगता है, मुझे डर ये लगता है कि ऐसे ही खेल खेल में किसी दिन ये कराची खुद ही उड़ा देंगे, नाम लगा देंगे बेचारे मोदी जी का। तो ये थोड़ा घबराने वाली बात है हमारे लिए। एक सुई नहीं बना पाते भाई साहब आप अपने यहां,
मुकाबला करने हमसे रोज निकले हुए, रोज ताल ठोके हुए कि हम इंडिया को देख लेंगे। अरे तुमसे एक सुई नहीं बनती है ढंग से, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और हमसे टकराओगे, हमसे, हम जो ब्रिटेन को पछाड़ के दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, एक बार भारतवर्ष के लिए तालियां बजाएंगे। धनबाद में खड़ा हूं,